हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स कंपनी अकाउंट्स हम कर रहे हैं फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स मैंने बताया था जब भी कभी क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो अपने को एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है मैं आपको एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं एडजस्टमेंट टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन में बताया इसने कि पाँच शेयर इन्होंने पब्लिक को ऑफर किए हैं पच्चीस रुपये एप्लीकेशन पे है पचास रुपये अलॉटमेंट पे और पच्चीस रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो बैलेंस अमाउंट बचा चाह पच्चीस हज़ार रुपये जो शेयर शेयर की अप्लीकेीक आई है वो आपके पास में आई है सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड शेयरस के लिए शेयर ऑफर किए हैं आपने पाँच हज़ार और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस रिसीव्ड वाज सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया जब कभी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो अपन टेबल बनाते हैं टेबल के कॉलम बताता हूँ पहले नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड पब्लिक ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दी है फिर आगे है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आपने देखा पच्चीस रुपये पर शेयर एप्लीकेशन मनी आनी है अपने पास में तो आपके पास में सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड शेयर्स की एप्लीकेशन आई है दैट वाज मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी फाइव अमाउंट हो गया वन डबल सेवन फाइव डबल ज़ीरो इस एप्लीकेशन के साथ में आपके पास में इतने रुपये आए हैं फिर नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड आप जितने शेयर पब्लिक को ऑफ़र करते हैं उससे ज़्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकते हैं आप जितने शेयर आपने पब्लिक को ऑफ़र किए हैं आपने पब्लिक को ऑफ़र किए हैं पाँच हज़ार शेयर पाँच हज़ार शेयर ही आप अलॉट कर सकते हैं इसलिए शेयर अलॉटेड आ गया फ़ाइव थाउजेंड शेयर अलॉटेड आ गया फ़ाइव थाउजेंड अब उसके ऊपर शेयर एप्लीकेशन मनी होगी आपके पास में पच्चीस रुपये पर शेयर के हिसाब से एक लाख पच्चीस हज़ार रुपये आप कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एप्लीकेशन मनी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अप टू वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फिर आता 50 ,000, 50 ,000, 50 ,000 फिर है अलॉटमेंट मनी फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी रुपीज़ पर शेयर अलॉटमेंट है पाँच हज़ार शेयर है पाँच हज़ार शेयर पर फिफ्टी रुपीज़ के हिसाब से टू लैख फिफ्टी फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल ड्यू का अमाउंट आया ट्वेंटी फाइव रुपीज़ फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव तो ये हो गया आपके पास में एक लाख पच्चीस हज़ार रुपये तो फर्स्ट कॉल का ड्यू अमाउंट होगा वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अलॉटमेंट पे ड्यू अमाउंट होगा टू लाख फिफ़्टी थाउजेंड और एप्लीकेशन में नहीं एडजस्ट करेंगे वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यहाँ इसके बाद में आगे का सारा काम फाइव थाउजेंड शेयर के हिसाब से ही कर रहे हैं इसके पहले जो हुआ था वो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड के हिसाब से हुआ था नंबर ऑफ़ शेयर अप्लाइड इं टू ट्वेंटी फाइव अमाउंट आ गया उसके बाद में फ़ाइव थाउजेंड इंटू ट्वेंटी फाइव फाइव थाउजेंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव इस तरह से ये फर्स्ट रॉ अपन ने प्रिपेयर की जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन में रिसीव की एंट्री करते हैं फिर उसके बाद में अलॉटमेंट में ड्यू की एंट्री करते हैं और फिर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करते हैं इसके बेसिस के ऊपर सेकंड आता है आपके पास में अलॉटमेंट प्रोसेस किस किस को कितने कितने शेयर अलॉट किए हैं ये क्वेश्चन बता रहा है फोर शेयर्स इन फुल चार हज़ार शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको चार हज़ार शेयर अलॉट कर दिए हंड्रेड परसेंट अलॉटमेंट कर दिया उसको जिसने चार हज़ार शेयर अप्लाई किए थे उसको चार हज़ार शेयर अलॉट कर दिए चार हज़ार शेयर पर पच्चीस रुपये पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन बनी आई थी आपका इसमें एक लाख रुपये चार हज़ार शेयर अलॉट कर दिए चार हज़ार शेयर पे पच्चीस रुपये एप्लीकेशन मनी के हिसाब से एक लाख रुपये आपने एडजस्ट कर दिए कैपिटल में इसका कोई कैरीफॉर्ड नहीं था कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया जितने शेयर इसने अप्लाई किए थे पूरे पूरे शेयर अलॉट कर दिए इसका इसलिए कोई भी एडवांस मनी नहीं है इसकी सेकेंड है कि जिसने एप्लीकेशन्स फॉर थ्री थाउजेंड शेयर अलॉटेड वन थाउजेंड तीन हज़ार शेयर की एप्लीकेशन आई थी उसको एक हज़ार शेयर अलॉट किए हैं जिसने तीन हज़ार शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको एक हज़ार शेयर अलॉट किए हैं तो तीन हज़ार शेयर पे पच्चीस रुपये पर शेयर के हिसाब से उसने एप्लीकेशन मनी जमा कराई थी सेवेंटी फाइव थाउजेंड अब उसको अपन एक हज़ार शेयर अलॉट किए हैं एक हज़ार शेयर पे पच्चीस रुपये के हिसाब से पच्चीस हजार रुपए एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर लेंगे अब उसके पास अपने पास में रहेंगी पचास हजार एक्सेस उसके सेवेंटी फाइव थाउजेंड आए थे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एडजस्टेड एज एप्लीकेशन मनी रिमेनिंग फिफ्टी थाउजेंड एज एडवांस अपने पास में बच गए पैसे उस पैसे को बिना किसी परमिशन के अपन अलॉटमेंट में काम ले सकते हैं अलॉटमेंट तक अपन एडवांस पैसा रख सकते हैं अब एक हज़ार शेयर अलॉट किए हैं पचास रुपये पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट में अपन कितने पैसे रख सकते हैं अप टू फिफ्टी थाउजेंड अलॉटमेंट में अपन अप टू फिफ्टी थाउजेंड उसके पैसे रख सकते हैं और अपने पास में इसके पचास हज़ार ये एडवांस हैं तो इसके पचास हज़ार अपन यहाँ पर रख लेंगे अपन फिर थर्ड कैटेगरी कह रहा है अपने पास में हंड्रेड शेयर्स अलॉटेड निल जिसने हंड्रेड शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको अलॉटेड नील उसको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं दिया इसका मतलब उसका जो अमाउंट बनता है वो रिफ़ंड करेंगे एक सौ शेयर के ऊपर पच्चीस रुपये पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन बनती थी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसको कोई अलॉटमेंट नहीं दिया तो ये टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रिफ़ंड कर देंगे अपन ये अपने पास में एक एडजस्टमेंट टेबल अपन ने प्रिपेयर की है अब इसमें एक चेक कर लेंगे ये तीनों का टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड के बराबर होना चाहिए इन तीनों का टोटल अलॉट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के बराबर होना चाहिए इन तीनों का टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड के बराबर होना चाहिए और इन तीनों का टोटल जो होना चाहिए एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड के बेसिस पे होना चाहिए ये इक्वल होना चाहिए जिससे आपकी कैलकुलेशन चेक हो जाएगी कि आपने कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं की है अब आगे ये अपने को कह रहा है कि पार जो पार जो वन लैख एटी फाइव थाउजेंड ऑन अकाउंट ऑफ वन लाख एट्टी फाइव थाउजेंड रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट क्रेडिट फॉरवर्ड ऑन एप्लीकेशन ये कह रहा है कि अलॉटमेंट पे आपको एक लाख पिक्चर सीजर वन लाख एट्टी फाइव थाउजेंड रियलाइज मतलब पैसे आए हैं अलॉटमेंट में जो पैसे आते हैं वो अपने यहाँ लास्ट में लिखते हैं बैंक करके अलॉटमेंट में कितने पैसे मिले आपको वन लाख एट्टी फाइव थाउजेंड थोड़ी धीरे फिक्र मान लेते हैं नहीं है ये पचास हजार एडवांस पड़े आपके पास में पचास हजार एडवांस पड़े और ढाई लाख रुपए आपके पास में आने अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने की है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड उसमें से पचास हजार रुपये आपके पास में एडवांस पड़े हैं तो अब अलॉटमेंट पे कितने पैसे आएंगे टू लैख टू लैख रुपीज़ आएंगे आपके पास में यहाँ पे फिगर होना चाहिए टू लैख रुपीज़ अब आपके पास में आए कितने हैं वन एटी फाइव माइनस वन एटी फाइव इसका मतलब हो गया पंद्रह हज़ार रुपये आपका एरियर हो गया अलॉटमेंट में अगर सबके पैसे आते तो आपके पास में दो लाख रुपए आते लेकिन आपके पास में है वन लाख एट्टी फाइव थाउजेंड इसका मतलब फिफ्टीन थाउजेंड इज एरियर अब एरियर किस कैटेगरी से है ये पहली कैटेगरी का दूसरी कैटेगरी का तीसरी कैटेगरी का अपन देखते हैं थर्ड कैटेगरी में सौ शेयर अप्लाई किए थे उसको पूरा पैसा रिफंड कर दिया जब पूरा पैसा रिफंड कर दिया कोई शेयर अलॉट नहीं है तो आगे के कोई भी पैसे नहीं आएंगे उससे अपने को सेकेंड कैटेगरी के थ्री शेयर है थ्री थाउजेंड शेयर को अपने वन थाउजेंड शेयर अलोड किए थे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मनी एडजस्ट कर ली थी और फिर पचास हज़ार अपने एडवांस यहाँ रहे थे अब देखते हैं वन थाउजेंड शेयर पे पचास रुपये के हिसाब से पचास हज़ार रुपये ही चाहिए अपने को और पचास हज़ार ये एडवांस पड़े हैं तो इसका कोई अमाउंट ड्यू नहीं है इसका मतलब अब जो ड्यू रहेगा इस 4000 वाली कैटेगरी से रहेगा क्योंकि इसको 4000 शेयर अप्लाई किए थे और 4000 शेयर ही अलॉट कर दिए तो पूरी एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो चुकी अब इसका कोई एडवांस नहीं है तो पैसे नहीं आने के चांसेज हैं तो वो इसी कैटेगरी से फोर वाली कैटेगरी से हैं कितने पैसे नहीं आए अपने पास में पंद्रह कैसे कैलकुलेट किए टू लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड तो आने थे तो अपने पास में दो लाख रुपए आने थे लेकिन आए कितने 185 इसका मतलब जो पैसे नहीं आए पंद्रह हज़ार रुपये वो एरिया है तो वो एरिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे पंद्रह हज़ार रुपये अब यहाँ पे यह भी मालूम करना जरूरी है कि पंद्रह हज़ार रुपये जो नहीं है कितने शेयर पर पैसे नहीं आए आप एक शेयर पर पचास मांगते हैं तो फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फिफ़्टी तो नंबर ऑफ शेयर आ गए थ्री शेयर्स तीन सौ शेयर के ऊपर आपके पास पैसे नहीं आए अलॉटमेंट मनी नहीं दी कितने शेयर पे नहीं दी फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई फिफ्टी तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे कि कितने शेयर वाले ने पैसे जमा नहीं कराए इट मीन्स जो थ्री हंड्रेड शेयर हैं उनके पास उनको आपको अलॉटमेंट मनी नहीं मिली है फिर आगे कह रहा है आपने को द डायरेक्ट एंड वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ऑन अकाउंट ऑफ कॉल और जो कॉल मनी है उसके ऊपर एक लाख पंद्रह हज़ार मिले अपने को बैंक का फिगर यहाँ पे कितने आने चाहिए थे एक लाख पच्चीस हज़ार आने चाहिए थे यहाँ पे डू है एक लाख पच्चीस हज़ार आए आपके पास में एक लाख पंद्रह हज़ार इसका मतलब दस हज़ार एरियर है अब यहाँ पे किसी का भी एडवांस नहीं है पैसा फर्स्ट कॉल में किसी का भी एडवांस नहीं है तो ये एरियर जो होता है इस कैटेगरी का, का भी हो सकता है इस कैटेगरी का भी हो सकता है और दोनों का कंबाइंड भी हो सकता है इसलिए मैंने ब्रैकेट बना के लिख दिया कि एरियर दस हज़ार रुपये अभी आइडेंटिफाई नहीं किया कि किस कैटेगरी का कौन सा एरियर है ठीक है यहाँ तक अब अपने पता चल जाएगा तीन सौ शेयर के ऊपर अलॉटमेंट मनी नहीं आई जब अलॉटमेंट मनी नहीं आती है तो फर्स्ट कॉल भी नहीं आती है उनकी ऐसा नहीं कि अलॉटमेंट के पैसे बाकी रह जाएंगे फर्स्ट कॉल का पैसा दे देगा दे। ऐसा नहीं होता है तो अलॉटमेंट नहीं आए तो फर्स्ट कॉल भी नहीं आए इसका तो फर्स्ट कॉल भी उसका एजियर तीन शेयर पर ये दस हज़ार है तीन सौ शेयर पे पच्चीस रुपये के हिसाब से सात हज़ार पाँच सौ रुपये उसके एरियर इसमें इंक्लूड है दस हज़ार रुपये में बाकी का जो एरियर है वो किसी और शेयर होल्डर का होगा लेकिन इन तीन सौ शेयर का पच्चीस रुपये के हिसाब से एरियर इसमें इंक्लूड है क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो ये मान लिया जाता है कि फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए अब आगे कह रहा है आपने को ये द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फोरफिट दो शेयर ऑन विज अलॉटमेंट मनी वाज ओवर ये कह रहा है डायरेक्टर्स ने उन शेयर्स को फोरफिट कर लिया जिन पे अलॉटमेंट मनी नहीं आई थी अलॉटमेंट मनी कितने पे नहीं आई थी इन 300 शेयर पे नहीं आई थी इसका मतलब डायरेक्टर्स ने इन 300 शेयर को फोरफिट कर लिया क्लियर है अब ये बात अब अपन आगे जनरल एंट्रीज करते हैं इनकी यस फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे अपन बैंक अकाउंट डी उजेंड फाइव हंड्रेड दूसरी एंट्री में अपन करते हैं इस पूरे वन लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड का कहाँ ये ट्रांसफर किया अपने सेकेंड एंट्री में इससे जाएगी सेकेंड एंट्री एक लाख पच्चीस हज़ार आपने कैपिटल में ट्रांसफ़र किए दो हज़ार पाँच सौ आपने रिफंड कर दिए और ये पचास हज़ार आपके पास में अलॉटमेंट पर रख लिए वन लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का क्या यूटिलाइजेशन किया वन ट्वेंटी फाइव कैपिटल में ट्रांसफर किया अपने अब एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन डी आर वन सेवेंटी सेवन फाइव डबल ज़ीरो टू शेयर कैपिटल कैपिटल में दिए वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रिफंड किया 2500 थाउजेंड टू बैंक टू थाउजेंड और पचास हजार रुपए अलॉटमेंट वो रखिए टू शेयर अलॉटमेंट पचास हजार आप देखो इसका टोटल बराबर हो गया होगा पचास पच्चीस पचहत्तर सतहत्तर ये आपके पास में सेकंड एंट्री हो गई थर्ड एंट्री करेंगे अपन अलॉटमेंट मनी ड्यू थर्ड एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल यहाँ पे प्रीमियम वगैरह नहीं है इसलिए सिंपल एंट्री हो जाएगी दो लाख पचास हजार अब अलॉटमेंट मनी आने की एंट्री करेंगे अलॉटमेंट पे आए वन एटी फाइव तो पैसे आने की एंट्री कर देंगे अपन फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डीआर आर टू शेयर अलॉटमेंट वन लेख एट्टी फाइव थाउजेंड वन एटी फाइव की एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट की पैसे आने की ठीक है अपने इस कालसिन एरियर का वगैरह कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया है अगर आपको कालसिन एरिया का करना है तो यहाँ पे आ जाएगा कालसिन एरियर अगर आपको कालसिन एरियर की एंट्री भी करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा कालसिन एरियर फिफ्टीन और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा टू लैख यस yes, दो लाख रुपये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे क्योंकि एडवांस की एंट्री अपन इधर कर चुके हैं ठीक है पैसा नहीं की एंट्री होगी फिफ्थ फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री होगी ये फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री होगी ये क्या कर रहा है फोर फीचर के लिए क्या कहा था इसने द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फोर फीट द शेयर ऑन फीस द रोडप्रेंट वाल एक लाख पचास हजार एक लाख पंद्रह हज़ार रुपये ऑन अकाउंट ऑफ कॉल ठीक है यस yes, पाँच हज़ार फाइव नंबर भी होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डी आर फर्स्ट एंड फाइनल डी आर टू शेयर कैपिटल एक लाख पच्चीस हजार और फिर पैसे आने की एंट्री कर देंगे पैसे आने की एंट्री क्या करेंगे सिक्स नंबर पे बैंक अकाउंट डी आर वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड टू टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक लाख पंद्रह हजार सिंपल एंट्री हो गई अगर आप काल्सिन एरियर की एंट्री भी करना चाहते हैं इसके साथ में तो यहाँ पे डिबिट करेंगे कॉल्सिन एरियर दस हज़ार रुपये और यहां पे हो जाएंगे 125 अगर काल्सन एजर की एंट्री भी करना चाहते हैं आप तो यहां पे काल्सन एजर को डेबिट करेंगे पंद्रह दस हजार रुपए और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इस तरह से ये एंट्रियां होगी अब मैं आपको बताता हूं शेयर फोर फीचर की क्या एंट्री होगी शेयर फोर फीचर और री इश्यू की यस yes. नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर फोर फीचर अब शेयर फोर फीचर भी क्या करा है किस स्टेज पे कर रहा है इसने कहा था कि अलॉटमेंट पे इतने पैसे आए और फर्स्ट कॉल पे इतने पैसे आए इसका मतलब यह हुआ कि आप फर्स्ट कॉल के बाद में शेयर फोरफीट कर रहे हैं अपन शेयर फुल फोरफीट करने की एंट्री क्या करेंगे आप कितने क्या कह रहा है द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फोर दोज शेयर ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवर जिनके अलॉटमेंट पे पैसे नहीं आए थे उनको फोरफीट कर रहे हैं अलॉटमेंट पर अपने देखा था कि तीन शेयर पर पैसे नहीं आए थे फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फिफ्टी तो नंबर ऑफ शेयर आगे तीन सौ शेयर तीन सौ शेयर पे पैसे नहीं आए थे पहले मैं फोर फीचर की एंट्री लिखता हूं शेयर कैपिटल डेबिट यहां पे प्रीमियम नहीं है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डी और टू शेयर फोरफिट अकाउंट अब यहां पे अगर आपने यहाँ पर काल्सिन एरियर में ट्रांसफर नहीं किया तो अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा और फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाएगा जो ड्यू है 300 शेयर्स फोर 300 शेयर्स 300 सौ शेयर ही आप फोर फिट कर रहे हैं और 300 हंड्रेड शेयर्स की अपन एंट्री कर रहे हैं 300 सौ शेयर फोर फिट कर रहे हैं आपने यहाँ सारे फर्स्ट कॉल के बाद में किया इसका मतलब कैपिटल के पूरे पैसे मांग लिए थ्री हंड्रेड इन कितने हो गए तीस हज़ार रुपये तो शेयर कैपिटल में कितने पैसे मांग लिए आपने सौ रुपये पूरे मांग लिए थे तो कैपिटल को आपने डेबिट किया थ्री हंड्रेड इन टू हंड्रेड तीस हज़ार रुपये अलॉटमेंट में कितने पैसे नहीं आए थे अपने पास में अलॉटमेंट में पैसे नहीं आए थे अपने पास में पंद्रह हज़ार रुपये तो अलॉटमेंट में लिख दिया पंद्रह हज़ार रुपये और एरियर पर कितने पैसे नहीं आए दस हज़ार रुपये लेकिन अपन यहाँ पर तीन सौ शेयर के रेफरेंस में ही बात करेंगे अपन अपन यहाँ करेंगे, करें, पे करेंगे 300 शेयर को फोरफिट करें इसलिए 300 शेयर का अमाउंट लिखेंगे दस हज़ार नहीं लिखेंगे 300 शेयर पे पच्चीस रुपये के हिसाब से 300 सौ इंटू ट्वेंटी फाइव सात हज़ार पाँच सौ रुपये अब पैसे कितने आए थे आपके पास में इनके 300 शेयर पे सिर्फ़ एप्लीकेशन मनी आई थी आपके पास में एप्लीकेशन मनी कितनी आई थी पच्चीस के हिसाब से सात ये शेयर फोरफिट का हो गया अब आप देखो दोनों तरफ का टोटल बराबर होना चाहिए यहाँ पे अक्सर कर लोग सजेस्ट कर देते हैं कि शेयर फोर फीचर का बैलेंसिंग फिगर लिख दो अगर आपसे कहीं भी गलती हो गई तो बैलेंसिंग फिगर भी गलत आएगा जो इस क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है मोस्ट वैल्यूबल एंट्री है वो एंट्री गलत हो जाएगी इसलिए जहाँ तक संभव हो शेयर फोर फीचर का कभी भी बैलेंसिंग फिगर मत लिखना कैलकुलेट करना हाँ एग्ज़ाम में अब नहीं आता अपने को तो फिर अपने पास कोई रास्ता नहीं है बैलेंसिंग फिगर के अलावा तो यहाँ पे आपने शेयर फोरफीचर का बैलेंस आ गया सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वापस बताता हूँ एंट्री की थी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फीचर. अगर आपने यहाँ पे इनको कार्लिन एरियर में ट्रांसफर कर दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा कार्ल इन एरियर और इन दोनों का अमाउंट भी टोटल होके आ जाएगा बाईस हजार पाँच सौ वापस बताता हूँ एंट्री मैंने एंट्री लिखी है शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर शेयर 300 शेयर फोर फिट कर रहे हैं किस स्टेज पे कर रहे हैं फर्स्ट कॉल के बाद में फर्स्ट कॉल के पैसे आने के बाद में कर रहे हैं इसका मतलब सौ रुपये आपने पूरे मांग लिए तो थ्री हंड्रेड इंटू हंड्रेड तीस हज़ार रुपये आपने कैपिटल को डेबिट किए पैसे कौन कौन से नहीं आए अलॉटमेंट अलॉटमेंट में पैसे नहीं आए थे पंद्रह हज़ार रुपये वो पंद्रह हज़ार रुपये लिख दिए शेयर फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल पर अपना दस हज़ार एरिया था लेकिन चूँकि अपन तीन सौ शेयर ही फॉरफिट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर तीन सौ शेयर का ही फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे रिवर्ट करेंगे तो थ्री हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फाइव सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगर आपने कॉलसिन एरियर में ट्रांसफ़र कर दिया है तो इन दोनों की जगह आएगा टू कॉल्सिन एरियर और अमाउंट आ जाएगा इन दोनों का टोटल होकर के ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगर आपने पहले से कॉल्सिन एरियरियर में ट्रांसफर कर चुके हैं तो अदरवाइज़ इनका ही नाम आएगा अब आएगा टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट शेयर फोरफिटेड में जितने पैसे आपको मिल जाते हैं वो लिखते हैं मिले कौन से पैसे अपने को सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिली है थ्री हंड्रेड शेयर पर तो वो लिखते हैं सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यस yes. तो ये अपने फोर फिट की एंट्री हो गई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके